बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन इला कयाम यौमिद्दीन। एक क्लिप इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का चल रहा है कि जिसमें वो अपनी खाम ख्याली में फरमा रहे हैं, बल्कि वो खुद इकरार कर रहे हैं कि बार बार मैंने ये कहा है कि दो फ़िरके मुक गए, ख़त्म हो गए, जिंदा लाशें हैं और अब कोई शिया नहीं होगा या अहले हदीस नहीं होगा। क्लिप समाज फरमाएं, फिर इस बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं दो फिरके मुक गए, जिंदा लाशा ने तो हम नजर आ रही है, इनकी रूह खत्म हो चुकी, एक अहले हदीस और दूसरे शिया, ये दो फिरके खत्म। अब जो आपको नजर आ रहे हैं ये नस्लन है, जितना अरसा इनकी नस्ल चल जाए, नया कोई बंदा ना अहले हदीस होगा ना शिया होगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भाई हक कहां से हो रहा है। रह गए देवबंदी और बरेलवी, वो तो अल्लाह के फजल से आपको पता है, वो तो खुद अपने ऊपर खुद कुछ हमले करते रहते हैं, वो उनकी बातें पब्लिक के सामने हैं। अब आपने क्लिप समाज फरमाया तो पहले हम तवज्जो दिलाएं कि जिंदा लाशें वो लोग हैं कि जिनके बड़ों के शजरे अजीब व गरीब हैं, कोई पैदा हुआ है चचा और भतीजी की जिनसी कुर्बत के नतीजे में, कोई ऐसा है कि जिसके मामू और नाना एक हैं, और कोई पैदा हुआ है कि जिसकी पैदाइश पे चार चार लोगों ने दावे किए हैं, कोई जंगों में भागने वाले हैं, कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले हैं और रसूल के कौल को हिजियान यानी बकवास कहने वाले हैं, वो लोग थे जिंदा लाशें, वो लोग हैं जिंदा लाशें। मौला अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाह गालिब अला कुल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ना जिंदा लाश थे और ना उनके मानने वाले जिंदा लाश हैं, वो भी कर्रार गैर फर्रार थे और उनके मानने वाले भी कर्रार गैर फर्रार हैं। खत्म होगा सिलसिला उन लोगों का कि जो दुश्मन थे रसूल के और रसूल के बाद आले रसूल के, जिन्होंने जुल्म ढाया हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पे, और यही वो चीजें हैं कि जो तशय्यो की तबलीग का सबब बन रही हैं, और उन्हीं लोगों में से जो लोग जिंदा हो रहे हैं वो हो रहे हैं अहले बैत के फजाइल सुनने की वजह से और दुश्मनों अहले बैत के जराइम सुनने की वजह से, कि जिन्होंने ऑफिशियली ऐलान करके और कानूनन कत्ल आम को और औरतों की इज्जतें लूटने को और जलाने को जायज करार दिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब असल में लाहौर के इस देवबंदी मदरसे के साथ मिलकर जिस साजिश में मसरूफ थे, तो वो ये सोच रहे थे कि अब काम खत्म होने वाला है, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है और साथ में देवबंदी लाहौरी मदरसे की भी खाम ख्याली है। ना कभी अहले बैत का जिक्र रुका और ना कभी अहले बैत के चाहने वालों की तादाद में कमी वाकई होगी। ये जो हमारे मोमिनीन धोखा खा रहे हैं इंजीनियर साहब की बातों से कि जी वो बनु उमैया को बुरा कहते हैं, तो शैतान को बुरा कह के कोई हम पर एहसान नहीं करता, वो अपने आप पर एहसान करता है। बनु उमैया को बुरा कहकर ना मौदूदी साहब ने हम पर एहसान किया, बल्कि अपनी पाकीजगी को बयान किया एक हद तक। और अगर इंजीनियर भी बनु उमैया की हामियों को बयान कर रहे हैं तो हम पर एहसान नहीं कर रहे, अपने मजहब का दिफा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बनु उमैया के साथ होगा वह दर हकीकत अपने मजहब की खबासत का ऐलान करेगा। अलबत्ता बनु उमैया की हबासत का दारो मदार उनसे पहले वाले लोगों पर है कि जिन्होंने रसूल के कौल को बकवास कहा, जिन्होंने आले रसूल पर जुल्म किया, जिन्होंने रसूल की अहादीस पर पाबंदी लगाई। अब अहले हदीस खत्म हो या ना हो यह अलग मौजू है, लेकिन आपके बड़ों ने रसूल के कौल को हिजियान और बकवास कहा और बाद में रसूल के कौल पर नशर व इशात की पाबंदी लगाई। अब ये और बात है कि आप भी उसी हिजियान कहने वाले का दिफा करें और आपके साथी लाहौर के देवबंदी मदरसे वाले भी उस जुर्म का दिफा करें कि जी अहादीस पर पाबंदी लगाने वाले ने बहुत अच्छा काम किया था, और फिर आप ये मिलकर सोचें कि अब अहले बैत का जिक्र खत्म हो जाएगा, तो चाहे आप हो मॉडर्न बनके या मॉडरेट बनके, और चाहे वो लाहौर के मदरसे वाले हों निजाम इमामत या निजाम इमामत और विलायत का नाम लेके, कि दर हकीकत वो निजाम विलायत और इमामत क्या है, फासिक और फाजिर और जानी बादशाहों के सिस्टम को पाकिस्तान में लाने की साजिश है। अब हम आज आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि मिस्र में कितनी शियत फैल रही है, और फिर बाद में
अगर मौका मिला तो और ममालिक की भी आपको सैर कराएंगे ताकि आपके जहन से निकल जाए। आप अगर जहलम के कमरे में बैठे हुए हैं तो न समझें कि सारी दुनिया वो है। अगर बाज जाहिल और नादान वो लोग के जिनके माँ बाप किसी जमाने में दूसरे मजहब में थे और फिर वो कुछ दिन के लिए शिया हुए, फिर वो अगर आपके हाथ में चले गए तो वो भी आपके हाथ में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे अगर उनके शजरे पाक और पाकीजा हैं, क्योंकि पाक और पाकीजा शजरे वाले कभी भी रसूल के कौल को बकवास करने वालों के साथ ज्यादा दिन नहीं चल सकते। अब आपके सामने हम एक क्लिप पेश करते हैं मिस्र के मशहूर और मारूफ मुबल्लिग और वहाबी आलिम दीन मोहम्मद सईद रुसलान का। في محافظة متاخمة قد دخل نصف أهلها في التشيع والنصف الباقي يراوح قد يدخل قريبا والمرء يتابع أنه تم رصد ما يزيد على 20,000 من المسلمين من أهل السنة صاروا شيعة في محافظة الإسكندرية وحدها هذا فضلا عما كان معلنا قبل وعما لا يعلن ولا يدرى عنه شيء لأن مثله إنما يدور في الخفاء। ये मौसूफ कह रहे हैं कि मिस्र के एक करिए में आधा करिया जो है वो शिया हो गया और आधा अभी शिया होने वाला है और किसी दिन भी शिया हो जाएंगे। और फिर उसके बाद कहते हैं कि इस्कंदरिया में 20,000 अहले सुन्नत मुस्लिम शिया हो चुके हैं और उसके बाद कहते हैं कि तहकीक जो हुई है वो तो यहां तक हुई है लेकिन इनके अलावा कितने लोग शिया हुए हैं कि जिनका इल्म नहीं हुआ वो अलग हैं। तो आप जरा होश में आ जाएं, मिस्र के जो मरकज था एक जमाने में अहले सुन्नत का, वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह जराइम को जान के, किनके जराइम के, जिन लोगों ने अहले बैत पर जुल्म किया, जिन लोगों ने कौले रसूल को बकवास कहा, ज़ियान कहा, उनके जराइम को जानकर। अब आपके सामने किले पर एक मशहूर और मारूफ वहाबी मुबल्लिग के जिनका नाम है अला सईद, वो समाअत फरमाएं, फिर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। هناك جمعية في الكويت للمصريين الرافضة هناك 1,000 مصري تشيعوا في الكويت وهؤلاء يمثلون رأس। अब ये फरमा रहे हैं इनका भी हम गम यह है और याद रखें कि मिस्र के टीवी पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर इतना मौजू डिस्कस किया गया है कि लोग तेजी से शिया हो रहे हैं कि अगर सिर्फ उस पर हम प्रोग्राम करना शुरू करें तो शायद 20 घंटे की वीडियो हो जाए और वो भी इस सूरत में कि वो पूरी पूरी वीडियो शायद हम ना लगा सकें क्योंकि इस मौजू पर वीडियोस भरी पड़ी हैं कि किस तरह से त्यूनिस में, अलजजायर में और मराकश में शिया हो रहे हैं। ये मौसू भी यही रो रहे हैं अला सईद के इस वक्त कुवैत में, बहरीन में, मिस्र में और मुख्तलिफ इलाकों में शियत फैल रही है और उसके बाद कह रहे हैं जो कुवैत में राफजी हैं, मिस्री हैं, वो 1,000 शिया हो चुके हैं फकत इनकी मालूमात के मुताबिक। अब आप एक क्लिप समात फरमाएं कि अजीब व गरीब शख्स है, यह भी एक वहाबी मुल्ला है, उसका नाम है मोहम्मद अल-ज़ुबी। यह शख्स मशहूर है पागल किस्म की बुढ़ी औरतों की तरह से शियों को बद्दुआएं देने में। अब यह बद्दुआएं क्यों दे रहा है, क्यों कि मिस्र में लोग अहले बैत से करीब हो रहे हैं और अहले बैत के तरफदार हो रहे हैं और वो लोग के जिन्होंने रसूल अल्लाह की तौहीन कि उन पर जुल्म किया, उनकी आल पर जुल्म किया, उनके खिलाफ साजिशें करते रहे मुनाफिकीन, उनको पहचान रहे। अब जरा क्लिप समात फरमाएं, इनकी बद्दुआ सुने, उसके बाद हम कुछ तर्जुमा करेंगे कि ये आदमी क्या कह रहा है। أرد فيهم ساعة سوداء أرد فيهم عجائب قدرتك يا من أهلكت عادا وثمود يا من أهلكت النمرود يا من أهلكت فرعون أهلك الشيعة أهلك الشيعة أهلك الشيعة أهلك الشيعة। अब यहां इनका दूसरा क्लिप तो बाद में आएगा, तो यहां पर कह रहे हैं कि या अल्लाह तू शियों को बर्बाद कर दे, शियों पर तू बलाओं को मुसल्लत कर दे जिस तरह से तूने आद और समूद को बर्बाद किया। और फिर उसके बाद
लगातार ये शख्स जुमले कह रहा है कि या अल्लाह तो शियों को कत्ल कर दे, या अल्लाह तो शियों को हलाक कर दे, या अल्लाह तो शियों को हलाक कर दे, और बार बार ये सब कुछ कहता चला जा रहा है। वजह क्या है कि ये देख रहे हैं कि अहले बैत के चाहने वाले कितनी तेजी से दुनिया भर में फैल रहे हैं, खुसूसन मिस्र में। अगला क्लिप समाप्त फरमाएं इस जाहिल किस्म के वहाबी मुल्ला का कि जो किसी पागल शख्स की तरह से बद्दुआएं दे रहा है। اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وائمتهم وعلمائهم اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم اللهم سلط عليهم السرطان اللهم سلط عليهم السرطان اللهم احفظ بلادنا منهم اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر منهم اللهم احفظ المملكة العربية السعودية منهم اللهم احفظ الكويت منهم اللهم احفظ البحرين منهم اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من الروافض اللهم عليك بالروافض اللهم عليك بالروافض اللهم طهر ارضنا منهم اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم। अब ये शख्स बददुआएं दे रहा है कि या अल्लाह तुशियों को बर्बाद कर दे, या अल्लाह तुशियों को बर्बाद कर दे, या अल्लाह तुशियों को मुश्किलात में डाल दे। फिर उसके बाद जो है कहता है कि या अल्लाह तू इन पर जो है बलाओं को और वबाओं को जो है मुसल्लत कर दे, इनके रगों में खून को जमा दे, इनकी पीठ में खून को जमा दे, इनके मराजे के खून को जमा दे, इनके आयम्मा के खून को जमा दे, इनके पेट में खून को जमा दे, और इन पर कैंसर मुसल्लत कर दे, यानी सारे शियों को जो है तो कैंसर में मुब्तला कर दे। ये पागल दीवाना आदमी जो है ये बद्दुआएं दे रहा है। क्यों दे रहा है कि सारे शियों को तू कैंसर में मुब्तला कर दे, और उसके बाद कहता है कि अल्लाह तू हमारे मिस्र को इनसे महफूज रख, सऊदी अरब को महफूज रख, कुवैत को महफूज रख, बहरीन को महफूज रख। साथ में नीचे आप देखेंगे कि लिखा हुआ आ रहा है कि मरीख को और जहल को भी शियों से बचा ले। मुमकिन है कि आइंदा इस किस्म के कुछ दीवाने, जिस तरह से कि इंजीनियर साहब ने दीवानगी की बात की है, अब ये भी कहेंगे कि अल्लाह तू सूरज को शियों से बचा ले, चांद को शियों से बचा ले। अब आपके सामने क्लिप पेश किया जा रहा है शेख अहमद करीमा साहब का, और ये एक मुनसिफ मिजाज अहले सुन्नत आलम दीन हैं जामुल अजहर के जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमेशा इजहार मवद्दत करते हैं। और साथ में इनकी खसूसियत यह है कि शियों पर अगर कोई तोहमत लगती है तो वाज़ कहते हैं कि ये बात गलत है, जो गलत है वो गलत है, और फिर इल्मी तरीके से उसको डिस्कस करते हैं। جميل ما ترد علي اسمع اسمع لماذا ان الشيعة لا يخافون من التسنن يا دكتور ولماذا السنة تخاف من الشيعة لا يخاف الا الضعيف والمهزوز। अब यहां पर ये टीवी पे प्रोग्राम है, तवील प्रोग्राम है, नीचे भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है कि शियों की बिदत के उनवान से प्रोग्राम है, और इसमें एक टॉपिक डिस्कस किया गया कि जो शियों ने खाने काबा को छोड़कर माज़ल्ला करबला व क़िबला बना लिया। अब ये देखें जदीद ज़माने में ये तोहमतें लगाई जा रही हैं। वजह क्या है कि इनके पास सिवाय तोहमत लगाने का कोई चारा नहीं है। ये फरमा रहे हैं कि क्या वजह है कि शिया सुन्नियों से नहीं डरते हैं लेकिन सुन्नी शियों से बहुत ज़्यादा खायफ हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि असल वजह यह है कि जो ज़ईफ़ होता है वो खौफ ज़दा रहता है। असल में ये कह रहे हैं कि मिस्र के और दुनिया भर के अहले सुन्नत इल्मी तौर पर इतने ज़ईफ़ हैं कि वो शियों के मंतकी इस्तदलाल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अलबत्ता यही वजह है कि दुनिया भर में हमेशा अहले सुन्नत तोहमतों का सहारा लेते हैं और कत्ले आम का सहारा लेते हैं। कभी ये कहते हैं कि शिया असाब की तोहिन करते हैं, तो हम सवाल करेंगे कि जिनके सुल्ब यानी हज़रत अब्दुल्ला वालिद माजिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप काफिर कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती? उनकी वालदा माजदा हज़रत आमना बिनत वहब सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा को आप काफरा कहते हैं तो आपको शर्म नहीं आती? तो जब आप गैर मंतिकी हरकतें करेंगे और रसूल और रसूल के वालदैन से और रसूल की आल से दुश्मनी करेंगे, आज तक हम कहते थे आले रसूल के दुश्मन, लेकिन हकीकत यह है कि ये आबाए रसूल के भी दुश्मन हैं, रसूल के वालिद के भी दुश्मन हैं, रसूल की वालदा के भी दुश्मन हैं, और रसूल की बेटी और रसूल के घर वालों के तो दुश्मन हैं। हमारी गुजारिश है कि इस किस्म की गुफ्तगू न करें, मुगालताकारी को तर्क करें, और याद रखें कि बार बार हम तवज्जो दिला रहे हैं कि जब लोग इन मुजरिमों को पहचानते हैं तो खुद ब खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम की जानिब आते हैं। इंशाअल्लाह बाज़ और ममालिक की भी सैर कराएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिर।